अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इन भाई का जो है वो शेंजन वीज़े का एप्लीकेशन जो है वो मैं फिल करके दिखाऊंगा आपको। ये भाई यहाँ पर काम करते हैं, ग्रोसरी में मैनेजर हैं यहाँ पर। तो इनसे पता करते हैं कि इनका वीज़ा कैसे आया और ये इनको कहाँ से पता चला कि कैसे अप्लाई करना और कितने पैसे लगे आपके। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम निकनेम रिहान है जी। जी थोड़ा ऊँचा बोलिएगा। मेरा नाम रिहान है, मैं बांग्लादेश से हूँ। मैं लास्ट 1 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट में जाके मैं अप्लाई किया। सही। हर वीक में एक दो अप्लाई किया। ऑलमोस्ट 50 कंपनी के साथ मैं अप्लाई किया। एट लास्ट मेरे को एक कंपनी इंटरेस्ट दिखाया, मेरा सब कुछ मांगना। उसके बाद मैं ईमेल के दौरान वो सारा चीज़ भेजा, उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, देन वो लोग मेरे को सिलेक्ट किया। उसके बाद 1 by 1 मेरा काम स्टार्ट हुआ था। और आपसे कुछ पैसे लिए उसने इस काम के? इस काम के सीधा सीधा कुछ पैसे नहीं लिया, बट जब वो मेरा वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, जो हमारा जो फी था विषय का, वर्क परमिट के लिए जो फी था वो फी मैं उनको ऑनलाइन में पेमेंट किया। वो कितना फीस आपने पे किया? मैं भी 280 यूरो समथिंग। 280 यूरो जी। कितने बने दिरहम में? वो दिरहम में शायद लगभग 2000 समथिंग ऐसा आएगा। ठीक हो गया। चलें, आपके जो वीज़ा जो है वो फिल करता हूँ मैं, तो ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आपने खुद ऑनलाइन अप्लाई किया, किसी के एजेंट का कोई चक्कर नहीं है? नहीं, चक्कर किया कि आज बोरे भाई का हेल्प लिया, उन्हें गाइडलाइन किया बस। ठीक हो गया। चलें आपका फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं जी। आपको दिखाते हैं कैसे फिल करना है फॉर्म। शेंजन का एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लेते। तो सबसे पहले ये दिखाएं जी कैमरा मैन, यहाँ पर आपकी पिक्चर लगेगी। पिक्चर का साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। कितना? 3.5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये भाई का मैं फिल करने लगा हूँ। ये दिखाइएगा जी अपना पासपोर्ट खोलें। सबसे पहले इनका नाम, सर नेम सबसे पहले देखना है जी, फादर नेम समझ आ गई। ऐसे हम पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में देखें तो पहले हमारा नाम, अपना नाम आता है, बाद में फादर का नेम आता है। लेकिन जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपने सर नेम, फैमिली नेम लिखना है। तो सर नेम इनका है जी भाई ABDUR HURY। उसके बाद जनाब सर नेम एट बर्थ के, बर्थ टाइम के वक्त जो है वो आपका सर नेम क्या था। नॉर्मली ये होता ये है कि इन केस ऑफ मैरिज कुछ कंट्रीज़ में लड़के का नाम चेंज हो जाता है और कुछ कंट्रीज़ में लड़की का नाम चेंज हो जाता है। तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो सर नेम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब्दुल ए बी डी यू आर, सही नज़र आ रहे हैं यहाँ से, अब्दुल आर ओ यू एफ सी एच ओ डब्ल्यू डी एच यू आर वाई। फर्स्ट नेम का मतलब है जी कि आपका अपना नाम क्या है। अपना नाम है जी अब्दुल ए बी डी यू एल अब्दुल मुबीन MUBIN चौधरी CHOWDHURY। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है जी। डेट ऑफ बर्थ भाई की है जी, किधर होती है यार बांग्लादेश के पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ? ये है भाई 1 June 1996 डे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है, उसके बाद मंथ लिखना है आपने, फिर ईयर लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाएं डे मंथ एंड ईयर। जून 6 महीना, ईयर 1996। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है जी आपकी भाई? मौलवी बाजार MOULVIBAZAR मौलवी बाजार। कंट्री ऑफ बर्थ क्या है जी? बांग्लादेश BANGLADESH
ADESH बांग्लादेश। करंट नेशनलिटी क्या है? बांग्लादेशी है। NGLADESH बांग्लादेश। नेशनलिटी ऑफ बर्थ नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, इसको निल कर दो। सेक्स मेल फीमेल? मेल। सिविल स्टेटस? शादी हुई है भाई आपकी? सिंगल। सिंगल आ जाएगा। पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर? माइनर तो नहीं हो आप, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल? नेशनल कार्ड है, आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड नंबर दे दें आप मुझे, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है? हाँ। ये फॉर्म एक दफ़ा ये शक्ल दिखा दें, फॉर्म ये वाला होना चाहिए। हारमोनाइज एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा, दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटली फ्री। ये टोटल तीन पेज आते हैं, इसके तीनों को आप फिल करके मैं जो है वो बता रहा हूँ। ये नंबर होता है 331 से शुरू होगा, जो आपकी नेशनल आईडी का मतलब ये है कि यहाँ के आप नेशनल हैं भाई। किधर गया नेशनल? 331-241-0354, कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है हमारे पास एक। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, इशूस डेट क्या है? चौबीस नवंबर 2020। डेट ऑफ इशू है जी 24/11/2020। वैलिड अंटिल एक्सपायरी क्या है? 23/11/2030। फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल, यूरोपियन यूनियन में आपका बंदा है कुछ पैच अपना? कुछ नहीं है, नहीं एप्लीकेबल नहीं है, इसको निल कर दो। दूसरे फॉर्म पे आ जाएं जी। फैमिली मेंबर रिलेशनशिप विद ईयू, इसमें भी हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। रेजिडेंस इन इन अदर कंट्री अदर देन द करंट नेशनलिटी हमारे पास है जी, यस। रेजिडेंट परमिट और इक्विवेलेंट रेजिडेंट परमिट हमारे पास है। अभी वीज़ा नंबर बोलें जी, रेजिडेंट परमिट का नंबर है वीज़ा, वीज़ा के ऊपर नंबर लिखा होता है, लास्ट 6 डिजिट वो मुझे बताएं आप। यहाँ पे लिखना है जी यूनाइटेड अरब EMIRATES। वीज़ा नंबर बोलें? वीज़ा तो अभी था नहीं है। यहाँ पर ये आपने जो जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पे आपने लिखना है। अगर आप अपनी कंट्री के अलावा कहीं पे हैं तो आपने उस कंट्री का नाम लिखना है, उसके अलावा एंट्री पर सॉरी परमानेंट नंबर वीज़ा नंबर आपके पास जो भी है वो लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना है जी वैलिड अंटिल। एमरस आई डी है आपके पास? एमरस आई डी बोल दें 784-1996। यहाँ पे आप वीज़ा नंबर लिख सकते हैं, एमरस आई डी नंबर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो ये आइडेंटिफिकेशन देती है कि ये बंदा यहाँ पर रह रहा है जी। 613-11-5-7-3। करंट ऑक्यूपेशन वीज़े पे आपका स्टेटस क्या है? पेंटर। पेंटर। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एड्रेस विद द टेलीफोन नंबर स्टूडेंट, क्या आपका जो उसके जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसका नाम? जिसका वीज़ा है आपके पास उसका नाम और नंबर दे दें मुझे आप। ये वो जगह है जी यहाँ पे आप जिसके पास काम कर रहे हैं एज अ प्रूफ के जो आपने देना है, उस बंदे का नाम देना है और उसका नंबर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है आपने। मरवान डिकोर वर्क LLC ठीक हो गया, नंबर है इनका, नंबर है ये है ना? नहीं ये नंबर नहीं है।
इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं है, अपने दे दो नंबर, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, नंबर दिया हुआ है 0568353 8353 999। पर्पस ऑफ स्टे किस काम के लिए जाना चाह रहे हैं भैया? हाउस कीपिंग वो टूरिज्म, बिजनेस, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, अदर्स आ गया जी। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्टे ऑफ पर्पस ऑफ स्टे, इधर आप लिखें जी, आप काम करने जा रहे हैं उसी से लिखते हैं, आप काम करना चाह रहा हूँ, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ, ताकि जो है हालात बेहतर हो सके। मेंबर स्टेटस ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इज एप्लीकेबल, छोड़ दें इसको। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री छोड़ दें, अभी तक गए नहीं है आप। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री आप कर दें तो बेहतर है, आपको वापस तो नहीं आना ना। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द, कब तक आपका जो है वो जाने का प्रोग्राम है? 16 दिसंबर 2022। डिपार्चर फ्रॉम शेंजन एरिया, वापस आने का कम प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट वन सर। हाँ, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वापस तो तब आना है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। 15/12/2023। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुका हुआ है ऑलरेडी? सही, इस बारे में बात करेंगे आपसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, जॉब पर कैसे मिली, इसी वीडियो के एंड पे आपको बताते हैं। फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर अ पर्पस ऑफ अप्लाइंग शेंजन वीज़ा, फिंगरप्रिंट्स दिए हैं कहीं पे? नो। वीज़ा स्टिकर नंबर नो। एंट्री परमिट ऑफ द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, अभी हमारे पास एंट्री परमिट वगैरह कुछ नहीं आया। सही है, ये दूसरा पेज चला गया। नहीं यार भाई, कितना दिन से अभी ये देखें जी, सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट इफ नॉट एप्लीकेबल, नेम ऑफ होटल और टेम्पररी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट, कोई एड्रेस है आपके पास किसी बंदे के जिसने आपको बुलाया? वो तो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट है ना, दे दो। एक मिनट, इसमें आ नहीं रहा है, एम्प्लॉयर का नाम नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयर का भेजो ना, एम्प्लॉयर का नाम मुझे वो बताओ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन डिटेल से आपको हर चीज़ पता चल रही है, इस वीडियो में कैसे आपने अप्लाई करना है।
ये एम्प्लॉयर का नाम आ गया स्मार्ट रिक्रूट लिमिटेड। सरनेम क्या है इसका? ब्रोक। ओहो, मिस हो गया। टेलीफोन नंबर इनका कुछ है? ये है ना, प्लस 356-9900-9900-1965। ठीक हो गया जी। ईमेल एड्रेस इनका है info@ स्मार्ट रिक्रूट recruit@mt.com। इनका एड्रेस है Escala नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी आर smart recruit limited। ठीक है सर ने फर्स्ट टाइम से पर्सन ऑफ कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टियन ब्रोक CHRISTIAN BROG ब्रोक। नंबर है जी +356-9900-1965। टेलीफोन नंबर ऑफ द कंपनी आर गेस वही यही नंबर है 356-9900-1965। कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड ड्राइविंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। कॉस्ट कौन बियर करेगा आपके जाने की, आपके रहने की? आपके एम्प्लॉयर करेगा या कौन करेगा? या बाय द स्पॉन्सर। ठीक हो गया। स्पॉन्सर हो गया। नो लोगो से कोई नॉर्वे आइसलैंड एसोसिएशन में। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है आपने साइन करना है अपना। यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लेस एंड डेट। यहाँ पर अभी आपको डेट डालनी है और वहाँ पे एक फ़ोटो आना है, दैट्स ऑल। खलास। तो ये थे जी पूरे जो है शेंजन वीज़े की एप्लीकेशन आप कैसे फिल करोगे। अभी हम भाई से पूछेंगे कि आप भाई ने जो है वो कैसे ही अप्लाई किया, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा और आप भी अप्लाई कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।